असलाकुम नमस्कार एंड गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे हम कुछ न्यूज की तरफ चलेंगे आज आपको दो दो चार न्यूज हैं वो बताना चाहेंगे बहुत दिन हो गए कोई न्यूज ही नहीं आ रही थी अभी बस हामिद मीर साहब का एक इशू था उसके उससे पहले भी काफी दिन से जो हम आपको वीकली आ, थोड़ी बहुत न्यूज दिया करते हैं उसका शो नहीं बन पा रहा था लेकिन खैर आज हम आपको थोड़ी सी छोटी 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 न्यूज बताएंगे तो लेकिन सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू हम जी चलते हैं सबसे पहले अः प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में आ, किसी आदमी ने फ़ोन किया और आ, उसने कॉल किया तो उधर से सेक्रेटेरिएट वालों ने फ़ोन उठाया और पूछा कि जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं उस आदमी ने कहा कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं तो सेक्रेटेरिएट से कहा गया कि क्या तुम पागल हो आ, उस आदमी ने कहा कि जी क्या बस यही क्वालिफिकेशन चाहिए या कुछ और भी हैं ये न्यूज़ दी थी ये पेपर किसने रखा यहाँ पे सॉरी 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 ये न्यूज नहीं थी ये ये तो पता नहीं किसने यहाँ रख दिया पेपर सॉरी खैर छोड़े छोड़े हम न्यूज की तरफ चलते हैं हमारे पास न्यूज है ये तो पता नहीं कौन बेवकूफ मेरी टीम यहाँ पे कुछ भी लिख के रख देती है तो ना, मैं आपको ये बता रही थी कि आर्मी चीफ ने यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कोरोना और पोलियो को खत्म करने के लिए यानी उसके खात्मे के लिए जो काम हो रहा है उसके लिए बिलगेट से फोन पे बात की उसके बाद रशियन अम्बेसडर से भी आ, मुलाकात की आ, कमर जावेद बाजवा साहब ने फॉरेन मिनिस्ट्री तो खैर हमेशा से ही बाजवा साहब के पास रही है ये सब ही जानते हैं लेकिन आ, अब मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की जो चौकी है आ, वो भी फतह कर ली है तो इसका मतलब है कि अब ये बेचारे एक ही सैलरी में इतने सारे काम कर रहे हैं और लोग यहाँ पे बातें बनाते हैं कि जी एम बाजवा साहब ने हर चीज पर कब्जा कर रखा है जबकि बाजवा साहब तो एक सैलरी एक ले रहे हैं और काम देखें ना आप चार चार कर रहे हैं यानी हेल्थ मिनिस्ट्री भी उन्होंने रखी हुई है फॉरेन मिनिस्ट्री भी उनके अपने पास है खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी ताजिक प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं ठीक है दौरे से मेरा मतलब है विजिट पे आए हुए हैं तो ताजिक प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के विजिट पर हैं उन्होंने अपने मुल्क में दाढ़ी रखना जो है वो मना कर रखा है अबाया कोई नहीं पहन सकता बोलते ना ब्लैक सा वो जो तारिक जमील साहब मौलाना तारिक जमील बहुत महंगा महंगा सेल कर रहे हैं अपनी अपनी आउटलेट पे वो भी उन्होंने बैन किया हुआ है फोर्टी ईयर से कम के लोग हज पे नहीं जा सकते उस पर पाबंदी है लाउड स्पीकर पे पाबंदी है यानी कि जो मस्जिद हैं उसके अंदर लाउड स्पीकर लगा कर अजान देना और उसपे जो है लंबे लंबे जो खुतबे और फाशन होते हैं वो देना मना है अगर मगर हाँ शराब जो है वो अवेलेबल है उनकी कंट्री में तो मैं सोच रही थी कि क्या इमरान खान साहब इस पे उनसे प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं क्योंकि इधर ही आए हुए हैं कहीं जाना वाना भी नहीं पड़ेगा यहीं तो आए हुए वो हमारे यहाँ विजिट पे तो कर दीजिए सर लगे आ तो प्रोटेस्ट भी कर दें साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि इस्लामाबाद में अगर किसी एसएसपी को किडनेप करके अफगानिस्तान ले जाया जाए इस्लामाबाद यानी जो मेन कैपिटल सिटी है पाकिस्तान की अगर वहां से किसी एसएसपी को किडनेप करें उसको ले जाए अफगानिस्तान किसी जर्नलिस्ट के घर में घुसे उसको मारे पीते उसके हड्डी पसली एक है, कहते हैं ना उसकी एकदम उसका कचूमर निकाल दें उसका भुरता बना दे जो हमारे यहाँ बोला जाता है पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि इंडिया में क्या कहते हैं भुरता बनाने को आलू का होता है ना आलू का बॉईल करते हैं और फिर आलू को मैच करके और फिर उसमें मसाले डाल के पकाते हैं उसको हम लोग आलू का भुरता बोलते हैं और कभी भुरता ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसे पराठे के अंदर रखें ना आलू के पराठे कभी बना देते तो बड़े मजे के बनते हैं सोरी सॉरी सॉरी मैं न्यूज बता रही थी वो किस तरफ निकल गई तो मैं आपसे ये बता रही थी कि अगर किसी जर्नलिस्ट को घर में घुसे उसके घर में घुस के मारे पीटे हड्डी पसली सब तोड़ दे उसकी ना तो उसके ऊपर जो है वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब जो हैं जिनको आप जानते ही हैं देखते ही रहते हैं अक्सर वो आपको कुछ खाते पीते नजर आते हैं बहुत खाते पीते खानदान के हैं ये हैं शेख रशीद साहब उनका इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है अगर मीडिया उनसे पूछे कि सर ये कुछ हो रहा है तो इसमें आप क्या करेंगे तो वो आगे से कह देते हैं जी मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है और इसलिए वो इन तमाम चीजों के ऊपर वो कोई कमेंट नहीं करते और मीडिया ब्रीफिंग से उठकर चले जाते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि गद्दारी के सर्टिफिकेट यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और बगैर मांगे मिल जाते हैं और होम डिलीवरी है उनकी तो इसी तरह से जिस मुल्क में फातिमा जिना जो कि मिस्टर जिना की बहन थी और उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा वहां पे उस मुल्क में तो मेरा ख्याल है गद्दारी का सर्टिफिकेट जिन लोगों को मिला है आ उनको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करना चाहिए उनको समझना चाहिए कि वो जरूर कोई अच्छा काम कर रहे हैं वैसे बहुत से लोग ये भी कहते हैं जी बांग्लादेश क्यों बन गया पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं और बांग्लादेश बनना बन गया और उन्होंने बनने दिया तो मेरा ख्याल है कि जो बेंगालिस्ट थे वो बहुत इंटेलिजेंट कॉम है जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं चाहे वो एजुकेशन हो चाहे इकोनोमी हो चाहे जो मर्जी हो वो कहीं के कहीं पहुंच गए हैं तो अगर वो इधर ही होते इनकेस इन केस के उनकी किस्मत खराब होती है और वो इधर ही होते तो मेरा ख्याल है कि उस सूरत में इतनी लंबी लंबी जो फौजी हुकूमतें रही हैं वो वो ना हो पाती और वो फौजियों को इस तरह से गवर्नमेंट में ना आने देते लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ और इस वजह से इतनी लंबी लंबी जो है हमारे यहाँ फौज ने हुकूमत की है जो वो मानते नहीं और कहते हैं कि जी हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है शेख रशीद साहब की एक पिक्चर में और दिखाती हूँ आपको खाते हुए वो अजीब से ही लगते हैं लेकिन ये कि वो खाना खाने के बहुत शौकीन हैं और अक्सर उनकी इसी तरह की पिक्चर्स आती रहती हैं एक चीज और है कि हम लोगों को अपने जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं हम उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसकी वजह ये है कि वो जुर्म को जुर्म समझ के करते हैं और करप्शन को करप्शन समझ के ही करते हैं मतलब वो किसी चीज़ को सवाब समझ के नहीं करते जो हमारे स्टेबलिशमेंट के लोग या हमारे सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं आ, वो जो काम करते हैं कि लोगों से पैसे निकलवाना और इस तरह से जो करप्शन होती है सब तो आपको पता है हर जगह कहाँ कहाँ पे ये पापा जॉन्स पिज्जा वाले और कौन कौन आपको मालूम ही है कि बड़े मशहूर मशहूर कैरेक्टर हमारे यहाँ जो है वो गुजरे हैं और अभी तक मौजूद हैं जैसे कि आप इनको जानते होंगे आसिम सलीम बाजवा साहब लेकिन हमारे जो हैं उनकी एक खास बात और है कि आप उनको किसी वक्त भी जो है उनके घरों को उनके बैंक अकाउंट्स को सील कर सकते हैं किसी वक्त भी आप उनको नैप में बुला के अच्छा खासा इंसल्ट कर सकते हैं इसके अलावा आप उनके नाम इसी में डाल सकते हैं कि वो मुल्क से बाहर ना जा सकें ये सब कुछ आप उनके ऊपर कर सकते हैं यहाँ तक कि अगर वो किसी इवेंट में जा रहे हो किसी रैली में जा रहे हो कहीं जा रहे हो तो आप उनके ऊपर जूते तक उछाल सकते हैं ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस के लिए है लेकिन हाँ शमेंट हो हमारी फौज हो या हमारी कोई और इधारा हो एजेंसीज हो उसके ऊपर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते ना आप उनके नाम ले सकते हैं ना आप उनका नाम यूसीएल में डाल सकते हैं अगर ऐसा हो पाता तो शायद परवेज मुशर्रफ यहीं पर होते बाहर ना गए होते लेकिन ऐसा नहीं है आ, उनके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते एजेंसीज और फौज के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ कहीं ज्यादा माने जाते हैं और उनके ऊपर आप इस तरह का कोई ना इल्जाम लगा सकते हैं और ना ही आप उनको उनके नाम एसीएल में डाल सकते हैं वैसे जो जो लोग आसिम सलीम बाजवा साहब से रसीद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पापा जोन पिज्जा का बताओ उनको चाहिए कि वो जुल्फी बुखारी के बारे में भी जो है वो आ, पूछते रहा करें क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है कि जुल्फी बुखारी को प्राइवेट जेट देकर कहा गया कि जी आ, आप चले जाइए और मतलब भाग जाइए मतलब दौड़ जाइए मतलब नौ दो ग्यारह हो जाइए और वो सारे करप्शन के पैसे लेकर और वो हो गए हैं जी नौ दो ग्यारह अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि पूछे अगर कोई आ, आम आदमी होता तो उसके लिए इस तरह का प्लेन तैयार किया हुआ है खान साहब ने कि वो ऊपर जा जाएंगे तो उनको कोई प्लेन नजर नहीं आने वाला लेकिन आम पे है जुल्फी बुखारी कोई आम आम आदमी तो है नहीं वो तो एटीएम कार्ड है जैसे कि जहांगीर तरीन है इसी तरह से जुल्फी बुखारी है मेडिसन्स की प्राइस पाकिस्तान में एक बार फिर थर्टी परसेंट जो है इंक्रीज कर दी गई है और उसके लिए ना किसी से पूछा ना किसी से एडवाइस uh, ली ना किसी की परमिशन ली और शायद बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनको ये बात टीवी के ज़रिए पता लगी हो इसलिए कि पाकिस्तान में बड़ा कुछ ऐसा होता है जो कि खान साहब को पता है भी उस वक्त चलता है जब वो टीवी देखते हैं या फिर बुशरा भी, भी उनको बता देती है अपने जिनों के जरिए कि जी खान साहब मुल्क में ये हो गया तो हो सकता है कि ये जो आ... Medicine's की प्राइस एकदम से थर्टी परसेंट इंक्रीज हुई है इसका खान साहब को पता ही ना असल में मासूम बहुत है ना टेंशन भी बहुत रहती है उनको आपको पता है सब उनके पीछे पड़े रहते हैं चाहे कंट्री में हो चाहे कंट्री से बाहर के लोग हों और वो सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि जिससे मैं कश्मीर आजाद करा लूँ और उनका नाम जो है ना वो अः गोल्डन मार्कर लेके ना ऐसे ही बोलते हैं ना गोल्डन मार्कर लेके ऐसे हाँ, हाँ, कुछ होता है खैर उनका नाम जो है ना वो सुनहरी जाए और हमेशा के लिए वो अमर हो जाए अमर अकबर एंथोनी नहीं वो कुछ और था खैर तो मैं आपको ये बता रही थी कि खान साहब ने अब कहा है कि भारत के साथ हम तिजारत सिर्फ उस वक्त करेंगे जब 370 दोबारा आ जाएगी तो अः उससे देखें भारत की तो सारी बार... जो है बस सब लोग कांप गए इंडिया के अंदर तो और आ, मोदी जी तो मैंने सुना है दो दिन से कमरे से बाहर ही नहीं निकले खाना भी नहीं खाया उन्होंने वो कह रहे हैं कि नहीं जी जब तक इमरान खान साहब जो है ना वो हमारे साथ तजारत शुरू नहीं करेंगे मैंने रोटी नहीं खानी लेकिन आ, ये बड़ी गलत बात है ऐसा नहीं करना चाहिए इतना भी क्या डर रहे हैं आप लोग हमारे से इतना भी क्या आप लोगों को खौफ पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान आपके साथ जो है बिजनेस नहीं करेगा बिजनेस डील नहीं करेगा ट्रेड नहीं करेगा कोई तरह की तजारत नहीं करेगा तो आप लोग इतना डर गए इतना तो मेरे नहीं कि आप लोगों को डरना चाहिए ठीक है थोड़ा सा इंतजार कर हो सकता है खान साहब का मूड चेंज हो जाए लेकिन मोदी जी को खाना तो खा लेना चाहिए मैंने सुना उन्होंने दो दिन से खाना नहीं खाया गया जब तक इमरान खान साहब हाँ नहीं करेंगे ना कि हम ट्रेड शुरू कर रहे हैं इंडिया के साथ क्योंकि आपको तो पता है हमारे तो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है हमारे तो कितना कुछ बनता है इतने इतनी प्रोडक्ट्स हमारे बनती है कि सिर्फ अगर पाकिस्तान अपना जो सामान है जो हम बनाते हैं एक्सपोर्ट करते हैं अगर हम वो एक्सपोर्ट करने बंद कर दें, तो आपको पता है आधी से ज्यादा दुनिया का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाना है उन्होंने तो वैसे ही उन, उनका सारा बिजनेस जो है ना सब ठप नीचे गिर जाएगा तो इसलिए लेकिन हम हम लोग जाहिर है कि हम रिया मदीना में रहते हैं हमारी एक अपनी अलग पहचान है और अब तो सभी हमें पहचान गए वैसे ये भी एक मुश्किल ही होगी लेकिन खैर अब हमारी अपनी एक पहचान है और अब हमारे यहाँ से जो सामान निकल के जाता है सारी दुनिया में उसके लिए लोग हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ के खड़े होते हैं कि प्लीज आप हमें दे, दे दें कोई कहता है हमें दे दें कोई शिपमेंट के लिए हर वक्त लोग लाइन बना के खड़े होते हैं लेकिन हमने जो है ना सबको दे सबको सामान देंगे हम लेकिन इंडिया को नहीं देंगे इंडिया के साथ हमने कोई तजारत नहीं करनी खान साहब ने कह दिया तो बस कह दिया आपको पता है खान साहब हमने बात के कितने पक्के हैं खान साहब ने कहा है कि जब तक थ्री जो है ना अब देखना आप मोदी जी को थ्री वापस लगानी ही पड़ेगी क्योंकि खान साहब से पंगा लेके आज तक किस कोई ऐसा नहीं है जिसने खान साहब से पंगा लिया हो और उसके बाद उसका काम जो है वो ठीक हुआ इसलिए मुझे तो लगता है कि थ्री सेवेंटी वापस आ ही जाएगा खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं इमरान खान साहब की एक एक और जो क्वालिटी है वो ये है कि जी खान साहब जब पोजिशन में थे तो वो कहा करते थे कि जी कोई जो है चीज छह साल पहले की बात है खान साहब कहते थे कि कोई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना दे कोई गैस का बिल ना दे और वो बिलों को जला भी देते थे और वो कहते थे कि जी कोई टैक्स ना भरे और सिविल नाफरमानी की तरफ चला जाए और अब वो कहते हैं कि जो लोग टैक्स नहीं देते वो मुल्क दुश्मन है अब ये दो तरह के स्टेटमेंट खान साहब की आजकल बहुत आ रही हैं जब देखो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं लेकिन आ, बात वही है कि उसका जो वो बात करते हैं वो मतलब जो है वो हमें समझ नहीं आती तो आपको क्या समझ आएगा इसलिए हम मेरी वीडियो पे ज्यादा दिमाग खर्च ना किया करें प्लीज अः बस जो बोल रही हूँ वो सुनी जाया करें तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी ये हमारे यहाँ जो है फौजी हुकूमतें जो रही हैं ये उसका एक छोटा सा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है ग्यारह साल फिर तीन साल फिर बारह साल और नौ साल हमारे यहाँ जो है वो फौजी हुकूमतें रही हैं लेकिन अभी आजकल जो बाजवा साहब की है वो भी यही कहा जाता है कि फौजी हुकूमत ही है लेकिन मानते नहीं है ना हम लोग जो है हम बड़ी मुश्किलों से मानते हैं हम कहते हैं नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं है साथ ही अः सी पैक और आ, सी पैक तो हमारा चल ही रहा है आपको पता है कि आसिम सलीम बाजवा साहब वहां पे बैठ गए और आ, इस, उसके चेयरमैन बन के और यही बात बार बार होती है कभी कहते हैं कि जी ये उसके लॉन्च हो रहा है कभी इसका लॉन्च हो रहा है कभी क्या हो रहा है करके लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका के लिए थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि अगर हम अमेरिका को जैसा कि कहा जा रहा है के फौजी अड्डे या मिलिट्री बेस दी दी गई है तो उसके ऊपर चाइना हमारे से थोड़ा सा नाराज नजर आ रहा है और ठीक है नाराज़गी अपनी जगह नाराज़ हो तो हो उसके ऊपर तो आपको पता ही है ना कि खान साहब तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार चाइना नाराज़ हो गया है लेकिन चाइना की नाराज़गी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रख हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती जब तक कि वो हमसे पैसे वापस ना मांगे क्योंकि आपको पता है ना कि वो आ, वैसे वापस करना वैसे भी जो है मेरा ख्याल इस्लाम में हराम है है ना हाँ ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था नहीं अच्छा मैंने सुना था कि कुछ कोई कह रहा था कि फिर से पाकिस्तान में हराम कह रहा होगा कि हम पैसे ले लेते हैं ना फिर हमें वापस करते वैसे पैसे, पैसे वापस करते हुए अच्छा किसको लगता है वैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात ना भी करूँ तो आप लोग भी कभी ना कभी किसी ना किसी से पैसे लिए होंगे तो क्या वापस करते हुए अच्छा लगता है नहीं लगता है ना तो फिर हमें क्यों लगेगा भाई हम कोई दुनिया से अलग अलग उतर कर आए अजीबी बातें कर रहे ना खैर मेरी बातें सुन सुन के ना अनारकली भी सो गई है तो मुझे लगता है कि मुझे भी चलना चाहिए और फिर आपसे मुलाकात होगी उसमें आ... अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा आजकल इतने स्लो स्लो तरीके से आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं पता नहीं क्या हो गया वीडियो देखते हैं और दौड़ जाते हैं यार कोई शर्म होती है कोई गैरत होती है मैं इतनी मेहनत करती हूँ इतना सारा कंटेंट बनाती हूँ इतनी सारी कहानियां लिखती हूँ उसके बाद बैठ के आप लोगों को सुनाती हूँ और उसके बाद आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करे बगैर देख दौड़ जाते हैं और वो जो मेरी वीडियो उठाते हैं उनके मजे होते हैं वो हमारी वीडियो उठाते हैं चोरी की और उनके पास हमारे से ज्यादा व्यूज होते हैं आप देखना आप लोगों को ऊपर वाला पूछेगा जो आप लोग कर रहे हो लेकिन खैर मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू